उसके बाद एक खरोच भी आई, दुनिया चला दूंगा पापा। ओ भाई, बवाल मचने वाला है, फुल ऑन गूज़बम्प्स। भाई मुझे नहीं पता तुमने ट्रेलर देखा या नहीं, अगर नहीं तो क्यों, जाकर देखो भाई। ट्रेलर को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो ये बंदा अमीर घर का सीधा साधा बच्चा है जो आगे चलकर बिगड़ जाता है और दुनिया के सबसे खतरनाक लोगों में से एक बन जाता है। पिता से उलझा हुआ रिश्ता और पिता का ही बदला लेने के लिए ऐसी राह पर निकल पड़ना जहाँ से जिंदा लौटना मानो बेहद मुश्किल हो। ट्रेलर से साफ पता चलता है कि अनिल कपूर का रोल एक निर्दयी पिता का होने वाला है जो अपना फैमिली बिजनेस चलाते हैं। रणवीर अपने पिता से इस कदर प्यार करते हैं कि पापा के लिए प्यार उनका जुनून बन जाता है। अपने पिता पर आँच आने पर रणवीर उस हद तक चले जाते हैं जो किसी ने सोचा तक नहीं होगा। मूवी में विलेन के रोल में बॉबी देओल नजर आने वाले हैं। जैसे टीजर में उनकी एक झलक देखने को मिली थी, वैसे ही ट्रेलर में एक दो सीन देखने को मिले, लेकिन उन सीन से साफ स्पष्ट होता है कि यह संदीप रेड्डी बांगा की मूवी का विलेन है। ट्रेलर का लास्ट सीन देखकर मानो ऐसा लग रहा है कि इन दोनों में से एनिमल कौन है। भाई रणवीर कपूर को देखकर ऐसा लग रहा है मानो वह अपने करियर का बेस्ट देने के लिए तैयार हो। फिल्म में उनके साथ रश्मिका मंदाना नजर आने वाली हैं। ट्रेलर में जो इमोशनल म्यूजिक देखने को मिला उससे साफ पता चलता है कि भाई एक्शन के साथ साथ इमोशन भी भरपूर देखने को मिलने वाला है। ओ भाई, मूवी का रन टाइम देखकर तुम चौंक जाओगे। हाँ, फिल्म 3 घंटे 21 मिनट 23 सेकंड की होने वाली है और हाँ, मूवी ये सर्टिफाइड है। बाकी सब तुम जानते हो, एक तो संदीप रेड्डी बांगा की फिल्म और ऊपर से रणवीर कपूर। चाहो भाई जाकर बुक कर, उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दो और वीडियो लाइक कर दो।